मैं आपको पीछे की तरफ से टायर की लाइट दिखाता हूँ कि कैसा इसको अपेयरेंस करेगी। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके से हमारे टायर पर लाइट गिरती है व्हाइट कलर की, जो काफ़ी अच्छी अपीलिंग करती है जब हम हाईवे पर ड्राइव करते हैं। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं यामा R15 V3 के अंदर बैक टायर पे जो हमने लाइट इंस्टॉल की है उसके इंस्टॉलेशन किस तरीके से होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आपने इसको कैसे इंस्टॉल किया, तो उसी को देखते हुए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरीके की ये लाइट आती है, इसके पीछे 3 mm टेप आती है जो कि यहाँ पर अभी निकली हुई है। तो आपको कुछ इस तरीके से उसको पीछे की तरफ से फिक्स कर देना है। यहाँ पर दोस्तों ये ब्लू कलर की लाइट है, तो मैं इसको आपको ऑन करके भी दिखाऊंगा। जो अपनी मैंने बाइक के अंदर जो लाइट इंस्टॉल की है दोस्तों, वो यहाँ पर व्हाइट कलर की लाइट है। आप चाहें तो यहाँ पर रेड या फिर ब्लू अपनी कलर चॉइस के अकॉर्डिंग उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट है दोस्तों 30 to 50 के अप्रॉक्स है। ज़्यादा इसकी कोई कॉस्ट है नहीं। आप इसको बाई करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, तो अमेजोन से जाके आप इसको बाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसको ऑन करके दिखा देता हूँ कि इसका अपेयरेंस कैसा होने वाला है। तो यहाँ पर हमने कुछ स्मॉल सा सेटअप किया हुआ है, तो चलिए मैं आपको इसको कनेक्ट करवाता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर लाइट कनेक्शन कर दी है, तो यहाँ पर ये ब्लू कलर की जो लाइट का अपेयरेंस वो आप देख सकते हैं। तो चलिए अब अपनी बाइक पे चलते हैं। सो ये है हमारी R15 V3। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर हमें लाइट इंस्टॉल कैसे करनी है। सो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये लाइट हमने इंस्टॉल की हुई है अपने बैक टायर के ऊपर। तो अब इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको करना क्या है दोस्तों, कुछ इस तरीके की आपको लाइट लेनी है जो कि 3 mm टेप से फिक्स हो सके। उसके बाद आपको यहाँ पर होल करना है। आप चाहें तो सोल्डरिंग आयरन से उसको होल कर सकते हैं या फिर स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से आप इसके अंदर होल कर सकते हैं। जब आप होल कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल को कनेक्ट करवा देना है। उसके बाद आपको अंदर की तरफ से इस वायर को गुजारना है। तो यहाँ पर जो बैटरी का कंपार्टमेंट है दोस्तों, उसके नीचे से वायर इधर की तरफ से होता हुआ आएगा। तो जो वायर है दोस्तों, ये ब्लैक कलर का वायर है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद आप इसको यहाँ पर फिक्स कर दीजिए। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर इस वायर को गुजारते हुए यहाँ पर लेके आना है। जो वायर की जो लेंथ होगी वो 1 से 2 मीटर के अप्रोक्स होगी। आपको इतना तो वायर चाहिए ही चाहिए होगा। लेफ्ट साइड की आपको ऊपर वाली फेयरिंग निकालनी है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर इन स्ट्रैप नट्स को निकाल लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक एलन के वाला स्क्रू मिलेगा, इसको भी आपको बाहर निकाल लेना है। तो मैंने ओपन कर रखे हैं ताकि वीडियो के अंदर आपका टाइम कंज्यूम ना हो। तो टोटल हमें यहाँ पर 4 प्लास्टिक स्क्रूज निकालने हैं और एक हमें यहाँ पर एलन की स्क्रू निकालना है। तो चलिए अब इनको साइड कर देता हूँ। उसके बाद आपको इस फेयरिंग को बाहर निकाल लेना है। तो कुछ इस तरीके से आप फेयरिंग को बाहर निकाल पाएंगे बड़ी आसानी से। तो जब आप यहाँ पर फेयरिंग को ओपन कर लेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का फीमेल कनेक्टर मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस तरफ रेड है, इस तरफ ब्लैक है। तो आपको यहाँ पर रेड और ब्लैक के साथ ही कॉम्बिनेशन में आपको कनेक्ट करना है। तो एक फीमेल कनेक्टर कुछ इस तरीके का मिलेगा, आपको अपनी बाइक के अंदर उसको ढूंढ लेना है। उसके बाद आपको ऐसा कुछ मेल कनेक्टर बाई करना है जो कि आपको मार्केट के अंदर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। 2 पिन का मेल कनेक्टर है। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर कोई वायरिंग कटिंग करने की जरूरत नहीं होगी, प्लग एंड प्ले हो जाएगा। उन दोनों ही वायर्स को आपको इससे कनेक्ट करवा देना है। अगर आप इसमें स्विच रखना चाहते हैं तो उसकी कनेक्शन सेटिंग मैं आपको एक रो डायग्राम पे बना के दिखा दूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे कनेक्शन वायर लगाना है आपको। बट अगर आप इसको डायरेक्ट ही कनेक्ट करना चाहते हैं कि जैसे आप बाइक ऑन हो उसके साथ में आपकी लाइट ऑन हो जाए, तो आप इसको डायरेक्ट 2 वायर के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट करवा दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको कंट्रोल कर पाएँ, ऑन और ऑफ कर पाएँ, तो उसके लिए आपको एक यहाँ पर स्विच प्लेस करना होगा। स्विच की सेटिंग्स मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं एक आपको डायग्राम दिखाता हूँ। इस डायग्राम के थ्रू दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना है, तो आप यहाँ पर इसको ऑन ऑफ भी रेगुलेट कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर डायग्राम बेसिस पे समझ लेते हैं कि टायर लाइट को कैसे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर मेल कनेक्टर आपको मिलेगा ही 2 पिन का, जो कि रेड और ब्लैक के साथ मिलता है। आपको फीमेल कनेक्टर बाई करना है, जिसके अंदर आपको 2 पिन्स मिलेगी, रेड और एक ब्लैक। तो यहाँ पर जो आपको लाइट मिलेगी उसको पीछे की तरफ इंस्टॉल करवाते हुए आपको 2 वायर मिलेंगे। तो यहाँ पर आप कोई सी भी तरफ दोस्तों एक वायर को कनेक्ट करवा दीजिए डायरेक्टली आगे की तरफ से। और अगर आप इसके अंदर स्विच इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप रेड या ब्लैक वाले वायर की तरफ आप एक स्विच कनेक्ट करवा सकते हैं। तो स्विच के अंदर आपको 2 वायर मिलेंगे, रेड और ब्लैक। या फिर दोस्तों आप इसको रेड के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं, ब्लैक के साथ भी कनेक्ट करवा सकते हैं। यहाँ प्लस माइनस का कोई खेल नहीं है, आपको सिर्फ कोई से भी एक वायर के थ्रू उसको बीच के अंदर से आपको स्विच कनेक्ट करवा देना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से उनकी कनेक्शन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आप इसको रेगुलेट कर पाएंगे स्विच के थ्रू। तो चलिए मैं आपको इसको ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। तो पीछे की तरफ जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अभी हमारी जो लाइट है वो ऑन हो चुकी है। तो यहाँ पर इस स्विच से मैं इसको ऑन ऑफ कर पा रहा हूँ। ये ऊपर की तरफ यही स्विच है दोस्तों, जो साइड से और पीछे से हमारी लाइट को कंट्रोल कर रहा है। तो ये ऑप्शनल, अगर आप चाहते हैं तो इसको रख सकते हैं, मुझे पसंद था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर स्विच इंस्टॉल किया हुआ है। मैं इसको डे टाइम पे बंद रखता हूँ, नाइट टाइम जब हम हाईवे पे राइड करते हैं तब मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो बैक टायर पे जो लाइट है वो काफ़ी अच्छी आती है, काफ़ी अच्छी अपील करती है हमारे टायर को। अगर हो सका तो मैं आपके लिए यहाँ पर एक नाइट शूट भी करूँगा, जो पीछे की तरफ आपको दिखा सके कि बाइक के अंदर कैसा लुक लगता है इस लाइटिंग का। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, नाइट का टाइम हो चुका है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पीछे की तरफ टायर लाइट को कि कैसा अपील करेगी। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पर
लाइट गिरेगी हमारे टायर पे। यहाँ पर व्हाइट कलर की लाइट है। सो यहाँ पर मैं इसको इतना अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि एरिया इतना ओपन नहीं है। तो ये काफ़ी प्यारी लगती है जब हम इसको ड्राइव करते हैं। पीछे की तरफ से जो लाइट जब टायर पे गिरती है तो उसका अपीयरेंस बहुत ही बेहतरीन होता है दोस्तों। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि बैक टायर के ऊपर लाइट आपको कैसे इंस्टॉल करवानी है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूँगा। सो ये थी इंस्टॉलेशन प्रोसेस दोस्तों बैक टायर लाइट की। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए हमारे वीडियोज़ के अंदर। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंस्टॉलेशन के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून। Thank you.